वेलकम गाइस। तो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन डिस्कशन की इस सीरीज में हम विजन आईएएस की जो हर मंथ मैगजीन लॉन्च होती है उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, और ऑलरेडी आपका जो अक्टूबर और नवंबर मंथ की जो मैगजीन्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सितंबर मंथ की, राइट। हम नवंबर से बेसिकली पीछे की ओर आ रहे हैं अभी, राइट। तो इस तरीके से अभी इनको कवर किया जा रहा है, बाकी बाद में इनको अरेंज कर दिया जाएगा, राइट। मंथ वाइज अरेंज किया जाएगा पूरे प्लेलिस्ट में, आप इजीली इनको रिवाइज फिर कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी अप्रोच डिफरेंट लेंगे जो अब हम रिविजन करेंगे, राइट। ये एक रिविजन टाइप हम इसमें अप्रोच रखेंगे कि जो जो इसमें इन्होंने इशू दे के रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल सोशल अकाउंटेबिलिटी का इशू है, पहले हम खुद सोचेंगे इसमें डिस्कस करने से पहले कि क्या क्या इसके प्रोज है, क्या क्या इसके कॉन्स हैं, राइट, और क्या क्या इसके डिफरेंट डायमेंशन है, पहले उसको खुद सोचने की कोशिश करेंगे। बाकी इन्होंने जो बाद में इसमें उसकी जो डिस्क्रिप्शन दी होगी फिर उस पे हम आएंगे, राइट। तो जब भी प्रोज या कॉन्स की बात आए तो उस टाइम एक टाइम के लिए आप भी पॉज कीजिएगा, ये आपकी मतलब अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का ये काम करेगा, राइट। तो एक एक थोड़े टाइम के लिए आप इसको पॉज कीजिएगा वीडियो को, और खुद पहले सोचिएगा कि क्या क्या इसके अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं, राइट, ताकि हम इसको कनेक्ट कर सके। रिसेंटली क्या हुआ है कि स्टेट वाइड कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड इन राजस्थान फॉर डिमांडिंग पासेज ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ इन नेक्स्ट असेंबली सेशन। तो बेसिकली वहां पे जो आपके जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, राइट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जो पंचायत ऑफिसेज हैं, उन्हें एक सोशल अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत लाने के लिए वहाँ पे एक मूवमेंट चल रहा है राजस्थान में। और ये वही स्टेट है सर, राजस्थान में ही आपके आरटीआई के लिए भी राजस्थान में ही सबसे पहले ये मूवमेंट चला था 1996 के आसपास, राइट। उसके बाद आपकी आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप हिस्ट्री से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब सोशल अकाउंटेबिलिटी होती क्या है भाई, सिंपल बात, सोशल अकाउंटेबिलिटी मतलब सोसाइटी के लिए अकाउंटेबिलिटी। जैसे आपके आपका सोशल ऑडिट होता है, राइट, जैसे ग्राम पंचायत में मनरेगा का आपका सोशल ऑडिट होता है, मतलब 10-12 लोग इकट्ठा कर लेंगे, उनके सामने ऑडिट किया जाएगा कि हाँ यहाँ यहाँ हमने पैसा खर्च किया हुआ है। तो सोसाइटी के सामने डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करना इज सोशल अकाउंटेबिलिटी, राइट। और यही मतलब अपनी डेफिनेशन के लिए ये जरूरी है, राइट, इतना अपने वर्ड्स में हम लिख सकते हैं। अब टूल क्या होते हैं इसके, अब खुद पहले इमेजिन करो, इस पे देखने से पहले खुद इमेजिन करते हैं कि क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, हम सोशल अकाउंटेबिलिटी कैसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। देखो, नंबर वन, सोशल अकाउंटेबिलिटी फाइनेंसिस के मामले में, बिल्कुल सर, सोशल ऑडिट आप करवा सकते हैं फाइनेंसिस के मामले में, ऐसे आपकी सोशल अकाउंटेबिलिटी बैठेगी। गवर्नेंस के मामले में, मतलब गवर्नेंस एफिशिएंसी के मामले में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपका आरटीआई एक्ट हो गया, राइट, आरटीआई एक्ट हो गया, उसके तहत आप ट्रांसपेरेंसी बना सकते हैं, इससे भी आपकी सोशल अकाउंटेबिलिटी आती है, राइट। इवन आपकी पॉलिटिक्स में सोशल अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है, इसके लिए जो एनजीओ होते हैं वो इसमें बड़ा योगदान देते हैं कि जो आपके एनजीओ हो गए या प्रेशर ग्रुप्स हो गए डिफरेंट, ये क्या करते हैं, आपके जो सोसाइटी की डिमांड्स हैं, या फिर ये एक तरीके का चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म बनाए रखते हैं आपकी डेमोक्रेसी में, ताकि सोशल आपकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। तो ऐसी चीजें हम यहां पे देख सकते हैं, जैसे पार्टिसिपेटरी बजटिंग, ये वही सारी चीजें कि आपका जो आपने ग्राम पंचायत के बारे में जीपीडीपी सुना होगा, राइट, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो ये जीपीडीपी क्या होता है, बेसिकली जितने भी आपके ग्राम पंचायत के लोग होते हैं वो सारे मिलके अपनी ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाते हैं, तो पार्टिसिपेटरी बजटिंग हम इसे कहते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टली हम बजट फॉर्मेशन कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली करवा सकते हैं लोगों के थ्रू, राइट। यहाँ ये स्टेट इन प्रैक्टिस ये याद रखने की जरूरत नहीं है, हमने बस टूल याद रखने हैं। दूसरा, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, वही सारी जो मैंने जीपीडीपी के बारे में आपको बताया, ये आपका पार्टिसिपेटरी बजटिंग में भी आ गया, आपका पार्टिसिपेटरी प्लानिंग में भी आ गया। पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग, बिल्कुल सर, अब ये मैंने वही आपको बताया था कि जैसे आपका मनरेगा का जो सोशल ऑडिट होता है, बिल्कुल उस तरीके का मैकेनिज्म आप ला सकते हैं। और क्या हो सकता है, सिटीजन रिपोर्ट कार्ड, कि जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन होगी ये अपना एक रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी, राइट, सर्वे कि भैया जो पार्टिसिपेटरी सर्वे है वो क्या करेंगे कि फीडबैक लेंगे सिटीजन से फीडबैक लेंगे कि इस
इस पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कैसी लगी आपको, राइट, इनका इनका काम अच्छा लगा या नहीं लगा, राइट, ये एफिशिएंटली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से एनजीओज ऐसा रोल भी प्ले कर सकते हैं कि सर्वे ये कंडक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, राइट। अब इससे प्रेशर बना रहेगा उस इंस्टीट्यूशन पे कि अगर मुझे सर्वे में अच्छा खुद की रैंकिंग लानी है तो मुझे बेटर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि कम्युनिटी स्कोर कार्ड, ये वही सारी की सिटीजन रिपोर्ट कार्ड, कम्युनिटी स्कोर कार्ड के कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग टूल दैट असेसेस द सर्विसेज, राइट, सर्विसेज प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह, ये वही सारी चीजें इन्होंने रिपीट करके रखी होती है, इनको इसमें ज्यादा पॉइंट बनाने होते हैं बेसिकली। सोशल ऑडिट, ये वही फिर से वो सारी चीजें जो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, राइट, जो हमने यहाँ पार्टिसिपेटरी बजटिंग की बात की थी, राइट, और पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग की जो हमने बात की थी, वही यहाँ पे सोशल ऑडिट का भी वही पूरा इन्होंने बता के रखा हुआ है। अब सोशल ऑडिट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सोशल ऑडिट मतलब सिंपली सोसाइटी के सामने ऑडिट कि पूरे 10-12 लोग जो भी आपके ग्राम पंचायत के लोग हैं, राइट, ग्राम सभा के सारे मेंबर्स को इकट्ठा करो, उनके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दो कि हमने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया, वो हुआ आपका सोशल ऑडिट। सिटीजन चार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट एक एक सवाल आपसे प्री में बन सकता है कि सिटीजन चार्टर को बनाने की इंडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस नोडल मिनिस्ट्री को है। तो याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, राइट, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है जो आपके IAS वगैरह की अपॉइंटमेंट को भी देखता है, तो उसके पास ये इंडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नोडल मिनिस्ट्री है इंडिया में सिटीजन चार्टर्स को इंप्लीमेंट करवाने के। अब सिटीजन चार्टर क्या है, बिल्कुल भाई, जो आपकी सभी को पता है कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपना एक चार्टर निकालेगी, बेसिकली अपना एक डॉक्यूमेंट निकालेगी जिसमें सारी चीजें लिखी होगी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे कैसे करेगी, रूल्स क्या है। अगर आपको हमसे कोई काम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर पंचायत ऑफिस में आपको काम लेना है, कोई आपको काम है वहां पे, तो आपको किस ऑफिस के पास जाना पड़ेगा, राइट, कहाँ कहाँ से कैसे जाना है, वो पूरा प्रोसेस इसमें बताया जाता है। तो प्रोसेस बताया जाएगा, स्टैंडर्ड बताया जाएगा उसमें, और रेगुलेशंस बताई जाएगी, और व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द सिटीजंस, राइट। तो जो जैसा कोऑपरेटिव बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन भी सिटीजन से एक्सपेक्ट कर रही है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन की जाएगी सिटीजन चार्टर में। बनाने वाली नोडल एजेंसी मैंने आपको बता दी कौन है इंडिया में, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। की नीड फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या है भैया, बिल्कुल सर, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। यहां तो इन्होंने टू कंपेंसेट द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स, कि आपके जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा करप्ट हो चुके हैं, राइट। अब इनकी जो लिमिटेशंस है ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स की, ट्रेडिशनल मैकेनिज्म मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, कि जो बड़ा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया, राइट, जो आपके बड़े डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, वो ही अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन सर वो तो खुद करप्ट है, हो सकता है वो खुद करप्ट हो। तो इनकी जो ये एक तरीके की जो एनोमली यहाँ पे क्रिएट हुई है, इसको टैकल करने के लिए जरूरी है सोशल अकाउंटेबिलिटी। और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, इंप्रूव होगी गवर्नेंस, क्यों, क्योंकि भैया प्रेशर होगा क्वालिटी इंप्रूव करने का, और सिटीजंस की एम्पावरमेंट तो होगी, क्यों, क्योंकि सर नॉलेज इज द पावर। अगर आप नॉलेज नहीं दोगे, नॉलेज का मतलब है इंफॉर्मेशन, अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे सिटीजन्स को आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन देने का मतलब यही तो होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है बेसिकली, अकाउंट्स अकाउंटेबिलिटी मतलब आप किसी चीज का अकाउंट बना रहे हो, अकाउंट मतलब खाता, उसको खाताकृत कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड रख रहे हो, और वो रिकॉर्ड आप किसके सामने रख रहे हो, सीधा सिटीजंस के सामने। रिकॉर्ड रखने का मतलब है इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप सिटीजंस को, एंड इंफॉर्मेशन इज एम्पावरमेंट इन मॉडर्न एरा, राइट। तो ऐसी आप इन सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो चैलेंजेस, खुद सोचो चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है इस तरीके की चीजों में। सर चैलेंज सबसे पहला तो सिटीजन में अवेयरनेस खुद नहीं है, दूसरी बात है कि राइट, ये ऐसी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो प्रॉपर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इंडिया में वो इस टाइम नहीं है, राइट, ब्यूरोक्रेसी बहुत रिजिड है, तो रिजिडिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज अनदर कॉज। नंबर 3, इंडिया में ऑलरेडी प्रोविजन है सर, ये जैसे आपका सिटीजन चार्टर हो गया, ऐसी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे प्रोविजन है इंडिया में, GPDP हो गया, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, लेकिन इनको इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है, राइट, इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी सारी चीजें हैं, और लीगल लैक्यूना भी आप इसमें कोट कर सकते हो, लीगल लैक्यूना। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो आपका OCA एक्ट है 1923 में, जो कि पहले 1904 में लाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अभी तक चल रहा है सर, और RTI के सेक्शंस को ये ओवरराइड कर जाता है, राइट। तो
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और इवन आरटीआई का एक सेक्शन 8 होता है, राइट। ये सेक्शन 8 बहुत खतरनाक होता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 भी आपने पढ़ा होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। वैसा ही आरटीआई एक्ट का एक सेक्शन 8 है, राइट। ये सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 कहता है कि गवर्नमेंट किसी भी इंफॉर्मेशन को नेशनल इंटरेस्ट में सिटीजन के पास भेजने से रोक सकती है, समझ रहे हो? तो ऐसी चीजें हैं जो चैलेंजेज है, वही सारी यहाँ पे की रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म इन्होंने भी दिया हुआ है, कॉम्प्लिसेंसी ऑन पार्ट ऑफ सिटीजन, कि सिटीजंस खुद नहीं चाहते हैं भैया, वो खुद करप्शन में इंडल्ज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करवाने से तो बढ़िया है थोड़ा सा पैसा दे दो इनको, राइट। वो भी कोऑपरेट करते हैं इसमें करप्शन में, सिटीजंस भी, कि भैया कौन यार इतना आरटीआई में फंसा रहे। एंड नेक्स्ट, डिसरप्शन बाय पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट, कि भैया जो गांव मतलब ग्राउंड लेवल पे ना वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत है, अलग अलग लोग हैं, उनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, कई सामंतवादी लोग हैं, राइट। वो क्या करेंगे, दीज काइंड ऑफ पीपल, द पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट, दे ऑलवेज ट्राई टू पुश देयर इंटरेस्ट, राइट। तो उस वजह से ये जो है इस तरीके की चीजें, और फिर वो डराने लगेंगे, राइट। दे थ्रेटन द पीपल, द एक्टिविस्ट इन द सोसाइटी। तो इस वजह से यू कैन सी that this kind of social accountability mechanism is not effective in our society. अब imperatives for social accountability law, imperative मतलब क्या जरूरतें हैं भाई, वही तो ऊपर हमने पढ़ लिया कि ये system of institution that creates platform, citizen participation and informed and mobilized citizenry is important फॉर योर डेमोक्रेसी। ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे देख रखी हुई है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर रखी है, कि इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल, सिटीजन जितने ज्यादा आपके एम्पावर होंगे, जितनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन उतना ज्यादा होगा, राइट। तो अब ये डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कि इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, वही मैंने आपको बताया कि भैया जितना भी आपको इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा आप दोगे उतना ज्यादा अवेयर होगा सिटीजन आपका, राइट। तो अवेयरनेस करवाने में भी इसका रोल है, और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, की आपकी कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्ड हो रही है, राइट। रेगुलर ट्रेनिंग फॉर द ऑफिशियल्स एज वेल एज सिटीजन्स मस्ट बी कंडक्टेड, राइट। तो भैया क्या क्या जरूरतें हैं, हमने पढ़ लिया कि क्या जरूरतें हैं इसकी, हमें डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से करना होगा, हमें सिटीजन्स को और ज्यादा अवेयर करना होगा, इन्फॉर्मेशन देनी होगी, फिर हमें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करने की जरूरत है, कि भैया कम्युनिटी लेवल पे जाओ और लोगों से उनको अवेयर करने की कोशिश करो, राइट। एनजीओज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एंगेज करो, राइट, इस तरीके की चीजों में, सिटीजन अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करने के लिए, एंड मेकिंग सोशल अकाउंटेबिलिटी मैंडेटरी इन प्रोग्राम गाइडलाइंस, एवरी स्कीम मस्ट बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट सोशल अकाउंटेबिलिटी, कि भैया जितनी भी सरकार की टीम है, जितनी भी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को लिए मैंडेटरी बनाओ ये सोशल अकाउंटेबिलिटी, राइट। जो आपका सोशल ऑडिट्स रहते हैं, जैसे मनरेगा में होता है, सारी स्कीम्स पे ये लागू कर दो। बाकी इनका रिकमेंडेशन है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए एक स्पेसिफिक एक कोई पोर्टल बनाओ आप, जहाँ पे सिटीजन्स ऑनलाइन आपके ग्रीवियंसेज वहाँ पे रजिस्टर कर सके और उनका रेजोल्यूशन ऑनलाइन हो सके। जैसे यहाँ बताया हुआ है कि मनरेगा में ऑलरेडी सोशल ऑडिट्स हो रहे हैं, तो ये कई सारी यहाँ पे चीजें हैं। प्रिंसिपल्स यहाँ पे इन्होंने बता रखने की, क्या प्रिंसिपल्स है सोशल अकाउंटेबिलिटी के, वही की सुनवाई, राइट, ग्रीवियंस रिड्रेसल बेसिकली, सुरक्षा की भैया सिटीजंस का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, जो आवाज उठा रहे हैं उनका प्रोटेक्शन भी रखो, कार्यवाही की अगर आवाज उठ रही है उस पर कार्यवाही भी करो, राइट, यू हैव टू टेक एक्शन, भागीदारी, पार्टिसिपेशन, राइट, यू हैव टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द ग्रुप्स, only then social accountability can be maintained, right? You have to remember that we are not talking about community we are not talking about community accountability या communal accountability, we are talking about social accountability. Society as a whole should be allowed to participate in such kind of accountability mechanisms, right? Next आता है कि जानकारी, कि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा डिसेमिनेट करो, प्रसार, कि इन सारे मैकेनिज्म्स का आप प्रचार प्रसार भी करो, राइट, इसको और ज्यादा आप बेसिकली प्रसार मींस एक्सपेंशन, इन सारी चीजों का आप एक्सपेंशन करो, सारी स्कीम्स पे सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ लगाओ, राइट। और जनता का मंच, जो जनमंच नेता वगैरह लगाते हैं, ऐसा ही कोई एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म आप एस्टेब्लिश करो, दैट इज योर सोशल अकाउंटेबिलिटी मेन्स का टॉपिक है, राइट। प्री कहां से बनेगा क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया, सिटीजन चार्टर से बन सकता है, ऑलरेडी शायद एक बना भी है। अब पीपल्स प्लान कैंपेन,
देखो पीपल्स प्लान कैंपेन, यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड पीपल प्लान कैंपेन, सबकी योजना सबका विकास, वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड, राइट। तो ये एक पीपल्स प्लान कैंपेन, सबकी योजना सबका विकास, इन्होंने एक डैशबोर्ड लॉन्च करके रखा हुआ है। बेसिकली पता क्या है, आज के दौर में कोई भी वेबसाइट लॉन्च करना ना ये बहुत इजी काम हो गया है, राइट। कहीं पे भी वर्डप्रेस से कोई भी वेबसाइट बना सकता है। तो सरकारों को भी मतलब कुछ ना कुछ तो इन्हें करना पड़ेगा, तो वेबसाइट ही एक डैशबोर्ड ही क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो पीपल्स प्लान कैंपेन, लेकिन ये बहुत यूजफुल है यार, ये बीच में मैंने ऐसे ही इसमें रख दिया, बाकी ये बहुत यूजफुल है, अभी आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपका जीपीडीपी की हम ऊपर बात कर रहे थे ना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये उस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को को क्रिएट करने, राइट, उस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को इफेक्टिवली उसको क्रिएट करने में ये मदद करेगा। किस ड्यूरिंग द कैंपेन स्ट्रक्चर्ड ग्राम सभा मीटिंग्स विल बी हेल्ड फॉर प्रिपेयरिंग पंचायत लेवल प्लान्स, राइट। तो ये आपका 2022-2023 में ये पूरा इनका कैंपेन चलेगा, पीपल्स प्लान कैंपेन। बस ये याद रखना है, पीपल्स प्लान कैंपेन पूछा जा सकता है, राइट, पूछा जा सकता है आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उनका ये कैंपेन है। करना क्या है, इन्होंने ग्राम सभा की रेगुलर मीटिंग्स इन्होंने जो है कॉल करनी है। ये कॉल करने का अधिकारी आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर है उनके पास होगा कि सारे डिस्ट्रिक्ट में ये रेगुलर ग्राम सभा मीटिंग्स को कॉल करेंगे। और क्यों करेंगे, ताकि रेगुलर वहां पे जीपीडीपी बनाया जा सके, राइट, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाया जा सके। बेसिकली प्लानिंग को डिसेंट्रलाइजेशन करने की यहाँ पे बात हो रही है, समझ रहे हो। और प्लानिंग किन सेक्टर्स में करनी है सर, उन 29 सेक्टर्स में जो कि आपके जो शेड्यूल 11 है, राइट, जो आपका शेड्यूल 11 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उसमें 29 फंक्शंस बताए हुए हैं ग्राम सभा के, राइट, जो उनकी 29 पावर्स है कि आप ये सैनिटेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इवन एजुकेशन इनके पावर में रखा गया है, इनके डोमेन में रखा गया है। तो ऐसे जो ये 29 सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर से रिलेटेड ग्राम सभाएं इस प्लान के तहत अपने, राइट, इस अभियान के तहत अपने प्लान्स इस्टेब्लिश करेंगे, समझ रहे हो ना बात। तो जो 11th शेड्यूल है ये डील करता है आपके ग्राम पंचायतों से, ठीक है। और जो आपका 12th शेड्यूल है ये आपका अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबी से डील करता है, राइट। तो आपका 243H जो है ये आर्टिकल डील करता है आपके इन 29 सेक्टर से रिलेटेड, समझ रहे हो ना बात को। 243H में लिखा गया है आपके कि शेड्यूल 11 में जो जो फंक्शंस मेंशन्ड है उन फंक्शंस से रिलेटेड कोई भी पंचायत काम कर सकती है, उन सेक्टर से रिलेटेड कोई भी पंचायत काम कर सकती है। तो जैसे आपकी लिस्टें दी होती है ना, List 1, List 2, List 3, जो आपका 7th शेड्यूल में, बेसिकली उसी तरीके की लिस्टिंग यहाँ पे की गई है कि कहाँ कहाँ पे पंचायतों का डोमेन होगा, कहाँ काम करने का डोमेन होगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायत एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन अंडर, ठीक है, हाँ, ये जो दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है, तो इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ग्राम सभा में एक इस तरीके से जो है प्लान्स बनाए जाएंगे, और पंचायत और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग इसमें आपके पार्टिसिपेट करेंगे जीपीडीपी को बनाने में, समझ रहे हो ना बात। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इस प्रोग्राम के तहत बने हैं, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो जीपीडीपी क्रिएशन का यहाँ प्रोसेस बताया हुआ है, कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। अब सही बात है कि इन्होंने बोला कि 2 अक्टूबर में आपका पीपल्स प्लान कैंपेन जो है कमेंस हुआ, फिर स्पेशल ग्राम सभा की एक मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर ये बोलते हैं कि अप्रूव्ड फैसिलिटेटर फीडबैक है ना, कि भैया जीपीडीपी में ये फिर जो इन्होंने प्लान क्रिएट किया हुआ है उसको अपलोड करेंगे। अगर वो वहां से अपलोड हो गया, मतलब वो अप्रूव हो गया सेंट्रली, अब देखो प्लान ग्राम सभा बना रही है, फिर अप्रूव करवाना पड़ रहा है इसको, समझ रहे हो, फिर क्या प्लान बनाया, फिर क्या डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, एंड फिर मिशन अंत्योदय सर्वे वेरिफिकेशन, फिर वेरिफिकेशन हो लेगा अंत्योदय मिशन का, राइट। तो इस तरीके से इसमें प्रोसेस बताया हुआ है, ये प्रोसेस बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना बात को, कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एंड इट्स इंपॉर्टेंस कि आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स ग्राम पंचायत टू प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट जीपीडीपी। तो ये आर्टिकल 243G से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है कि जो भी
आर्टिकल 243G में, जो मैं अभी आपको बता रहा था, सॉरी मैंने आर्टिकल 243H अगर गलत सी से बोल दिया होगा वहां पे, तो ये आर्टिकल 243G के तहत ये प्रोविजन किया गया है कि जो आपका 11th शेड्यूल है उसमें सर आपके 29 फंक्शंस मेंशनड है किसी भी आपके ग्राम पंचायतों के, ठीक है, 29 जो फंक्शंस है। अब उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, उन फंक्शंस में काम करने के लिए ये ग्राम सभा जो है GPDP बनाती है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, राइट। इस प्लान में एक विजन होगा, गोल्स होंगे, एक्शन प्लान, राइट, उसमें मेंशन होगा कि हमारा क्या क्या विजन है, हमने क्या क्या करना है, क्या हमारे गोल है अगले एक साल के लिए। तो 29 सब्जेक्ट से रिलेटेड ये होंगे, 11th शेड्यूल, ये सारी बातें हमने कर दी, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसका नोडल मिनिस्ट्री है। ग्राम सभा डैशबोर्ड आप याद रख सकते हैं, बेसिकली इनमें से उतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए। प्री के लिए आपने एक और याद रखना है, ग्राम मानचित्र, ठीक है, ग्राम मानचित्र। अब ये ग्राम मानचित्र क्या है, बिल्कुल सर इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किए बिल्कुल भी ये चीज। ग्राम मानचित्र एक इंडिया में एक एक तरीके का मैप बनाया गया है जिसमें पूरा जियो स्पेशल डेटा है, और उसी ग्राम मानचित्र का यूज करके GPDP तैयार किया जाता है। ग्राम मानचित्र का यूज करके GPDP तैयार किया जाता है। तो आप इसको, मतलब ग्राम मानचित्र को आप इंटरनेट में सर्च भी कर सकते हो, आप अपने गांव की वहां अच्छी पूरी डिटेल ले सकते हो ग्राम मानचित्र के, समझ रहे हो ना बात को। सो दिस इज ऑल अबाउट योर GPDP। सो नेक्स्ट कम्स के सिग्निफिकेंस क्या है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की, वही सारी बातें कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी आएगी, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी आएगी, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होगी, एनहांस्ड लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, बेटर बॉन्ड बिटवीन पंचायत एंड लोकल सिटीजन्स, ये सारी फिलोसफी है। अब आता है सर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये सिर्फ आपने प्री के लिए प्रिपेयर करना है, समझ रहे हो, मेंस कुछ भी नहीं बनेगा, इतना ज्यादा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। आपने बस ये याद रखना है कि आर्टिकल जो 94 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर से डील करता है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों से ये आपका आर्टिकल 94 डील करता है, समझ रहे हो। अब जो डेप्यूटी स्पीकर है आपने याद रखना है कि ये आपका स्पीकर का सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं है, सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आपका जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा के लिए ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है डेप्यूटी स्पीकर। क्यों? क्योंकि लोकसभा इसको बाय अ मोशन वहां से रिमूव कर सकती है अपने ऑफिस से। तो डेप्यूटी स्पीकर के बारे में ऐसी चीजें आपने याद रखनी है। सेकंड चीज जो आपने डेप्यूटी स्पीकर के बारे में याद रखनी है कि जब भी डेप्यूटी स्पीकर को कभी भी किसी भी कमेटी का मेंबर बनाया जाए तो वो ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाता है, समझ रहे हो बात को। तीसरी चीज आपने याद रखनी है कि जब स्पीकर की एब्सेंस होगी तो जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो अगर स्पीकर अनुपस्थित है और अगर आपका राज्य सभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन है अगर वो भी अनुपस्थित है, राइट, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा अनुपस्थित है, राज्यसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन है अगर वो भी एब्सेंट है उस ज्वाइंट मीटिंग में, तो उसको प्रिसाइड ओवर कौन करेगा, आपका डेप्यूटी स्पीकर। चौथी बात आपने याद रखनी है कि डेप्यूटी स्पीकर जब भी हाउस को प्रिसाइड ओवर करेगा तो वो फर्स्ट इंस्टांस में उस टाइम वोट नहीं कर सकता है, राइट, पहली बार में वोट नहीं कर सकता है, कास्टिंग वोट डालने की उसको इजाजत होगी, जब टाई होगा उस टाइम वो वोट डाल सकता है, अदरवाइज पहली बार वोट नहीं कर सकता है, फर्स्ट इंस्टांस में वो वोट नहीं कर सकता है उस टाइम जब वो चेयर कर रहा होगा हाउस को। लेकिन नॉर्मल टाइम में जब वो चेयर नहीं कर रहा है उस टाइम उसकी जो वोट की वैल्यू होगी वो बिल्कुल वैसी होगी जो आपका दूसरा कोई मेंबर रहता है। अब ये न्यूज में क्यों है सर? सर न्यूज में इसलिए है क्योंकि आज तक जो अभी आपकी लेटेस्ट जो आपकी लोकसभा है, राइट, जो आपके 2019 में जो आपके इलेक्शन हुए थे उसके बाद जो ये लोकसभा आपकी कॉन्स्टिट्यूट हुई, राइट, उसमें अभी तक डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस को इलेक्ट नहीं किया गया है, समझ रहे हो बात को। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन तभी होगा अगर इसके इलेक्शन के डेट को स्पीकर नोटिफाई करेगा, और स्पीकर ने, ओम बिरला सर ने, अभी तक इसके इलेक्शन के डेट को नोटिफाई नहीं किया है। सो दिस इज द कैच, और आज तक ये वेकेंट चली हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस को आप ये कॉन्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, समझ रहे हो बात को, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि देयर शैल बी अ स्पीकर प्लस डेप्यूटी स्पीकर, देयर शैल बी अ स्पीकर प्लस डेप्यूटी स्पीकर, तो कभी ना कभी ये कॉन्स्टिट्यूट सर करनी ही पड़ेगी,
समझ रहे हो। बाकी यहाँ ये रूल एट कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि रूल एट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा लीव्स इट टू द स्पीकर टू फिक्स द डेट फॉर होल्डिंग द इलेक्शन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दो द रूल 9 ऑफ इट प्रोवाइड फॉर अप टू 10 मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। ये वही सारी चीजें हैं कि अब ये जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो होता क्या है, अगर आपको पता नहीं है कि अगर स्पीकर एब्सेंट है लेकिन जो आपका डेप्यूटी स्पीकर है वो प्रेजेंट है हाउस में, तो स्पीकर की एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर उसको प्रिजाइड ओवर करेगा। लेकिन अगर दोनों एब्सेंट है तो क्या नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कोई प्रिजाइड ओवर नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं सर। उसके लिए 10 मेंबर का एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बना होता है हर हाउस में, ये दोनों हाउसेज में है, समझ रहे हो। 10 मेंबर का एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन, इसमें मोस्ट ऑफ दिस मतलब यूजुअली सीनियर मोस्ट जो मेंबर्स होते हैं हाउस के उनको इसमें नॉमिनेट करता है स्पीकर। तो अगर स्पीकर भी प्रेजेंट ना हो और आपका डेप्यूटी स्पीकर भी प्रेजेंट ना हो, दोनों एबसेंट हो, तो इनमें से सीक्वेंस वाइज वो चेयर करते जाएंगे, राइट, चेयर करते जाएंगे हाउस की मीटिंग्स को, समझ रहे हो बात को। लेकिन यह प्रेजेंट वर्ड को आपने कंफ्यूज नहीं करना है वेकेंट वर्ड से। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों की जो पोजीशन है अगर वो वेकेंट है, प्रेजेंट होना का मतलब है कि भैया ऑफिसेज उनके वेकेंट नहीं है लेकिन किन्हीं कारणों से वो हाउस की सीटिंग में नहीं आ पाए हैं, राइट, ऑफिसेज वेकेंट नहीं है। लेकिन अगर दोनों के ऑफिसेज वेकेंट है तो ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन काम करना बंद कर जाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इसको नॉमिनेट तो पिछले स्पीकर ने किया था, उसकी तो अब पोस्ट ही वेकेंट हो गई, उस केस में कौन चेयर करेगा? बिल्कुल सर, उस केस में जो चेयर करेगा उसे उसको नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, समझ रहे हो बात को। सो दिस इज ऑल, बाकी इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर सिंस मोरारजी देसाई गवर्नमेंट इज कन्वेंशनली गिवन टू बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, ये भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे स्टेटमेंट बन सकती है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज ऑलवेज गिवन टू द ऑपोजिशन पार्टी, ऐसी स्टेटमेंट वो बना सकते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इट इज बाय पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। नेक्स्ट आते हैं कि अमेंडमेंट इन ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल, याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था और इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, समझ रहे हो, कि ऑफिसर्स टू रिटेन गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन डिग्नेटरीज, कि इन इन रूल्स में अब अलाउ कर दिया गया है जो आपके आईएएस आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स हैं इनमें गिफ्ट रिसीव करने के लिए इनको अलाउ कर दिया गया है। तो इसमें देखो ये तीसरा अमेंडमेंट आ चुका है एक ही साल में, एक अमेंडमेंट और आया था जिसमें कि आपके जो आईपीएस ऑफिसर हैं मतलब आईएएस ऑफिसर्स के सिवाय जो बाकी ऑफिसर्स रैंक के जो इंडिया की जो मतलब कहीं सीक्रेट सर्विसेज से जुड़े हुए हैं या आईपीएस ऑफिसर जो हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आपके ऑफिसर्स हैं उन पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी जारी नहीं कर सकते। तो ये एक और अमेंडमेंट लाया गया था, अब फिर से ये नया अमेंडमेंट लाया गया है जो पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो अब आता है पीएम केयर्स फंड, ये आपको पता है सर, पीएम केयर्स के बारे में आपने याद रखना है कि जो आपका नॉन क्लासिफाइड अगर आपने कोई डोनेशन करनी है नॉन क्लासिफाइड अनक्लासिफाइड डोनेशन तो ही इसमें वो एक्सेप्टेड है, क्लासिफाइड डोनेशन ये एक्सेप्ट नहीं करता है। क्लासिफाइड डोनेशन मतलब अगर आप बोलो कि मैं तुम्हें डोनेट कर रहा हूँ पीएम केयर्स फंड में, इसको बस एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, तो बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, समझ रहे हो। अब ये पीएम केयर्स फंड लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था, राइट, एलेज किया गया था कि इसमें करप्शन वगैरह चल रहा है, उस पे हमने नहीं जाना है, हमने बस ये जानना है कि पीएम केयर्स फंड जो कि स्टैट्यूटरी नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, जिसके कि आपके जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है वो आपके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, बिल्कुल सर, और इसके जो बाकी मेंबर्स होते हैं तीन वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगा, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री होगा और आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसके सिवाय भी जो एक एक तरीके के एक्स ऑफिशियो इसमें तीन मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट और कर सकता है, समझ रहे हो। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर रहता है एंड नॉट गवर्नमेंट फंड एज द अमाउंट। अब ये सेंटर ने कहा है दिल्ली हाई कोर्ट को कि भैया हम पे आरटीआई आप नहीं लगा सकते पीएम केयर्स पे, क्यों? क्योंकि ये एक गवर्नमेंट फंड नहीं है, ये एक डोनेशन फंड है, तो ये आरटीआई से बाहर होना चाहिए। अभी आरटीआई इस पे लगेगी नहीं लगेगी ये अभी तक ये मैटर पेंडिंग है सर, अभी तक ये मैटर पेंडिंग है और ये चलता रहेगा काफी लंबे टाइम तक। राइट टू गवर्नमेंट एड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इंपॉर्टेंट चीज,
क्योंकि लास्ट ईयर एक और चीज आया था कि राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, समझ रहे हो? ये भी एक केस आया था क्योंकि तमिलनाडु में लास्ट ईयर, राइट, तमिलनाडु में लास्ट ईयर जो जो वहां पे नीट एडमिशन होनी थी उससे रिलेटेड एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। सिमिलरली राइट टू गवर्नमेंट एड इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो बस ये स्टेटमेंट एज इट इज आपके अपियर हो सकती है, आप कहाँ पे, आपके प्री में। बस बाकी इसमें कुछ भी की हाईलाइट उठनी पड़ने की जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट एड टू इंस्टीट्यूशन इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी एंड नॉट ए फंडामेंटल राइट, ये उन्होंने कहा है। वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पे रिपीट कर देनी है इससे आगे कि आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, कि आपका जो आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो बेसिकली आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के माइनॉरिटीज के रहते हैं, समझ रहे हो, तो उससे ये डील करता है कि फॉर एडेड इंस्टीट्यूशन देयर कैन नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन अ माइनॉरिटी एंड अ नॉन माइनॉरिटी वन, बट इफ एन इंस्टीट्यूशन डज नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट एंड कंप्लाई विद द कंडीशंस अकंपनिंग सच एड, इट इज वेल ओपन टू डिक्लाइन। बेसिकली ये जो आर्टिकल 30 और राइट आपका जो आर्टिकल 29 और जो आर्टिकल 30 है, ये काफी ब्रॉड आर्टिकल है, इस पे मैं पॉलिटी पे अलग से लेक्चर लूंगा, क्योंकि देखो इसमें ना चार कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशन होती है, राइट, कुछ ऐसी जिनको गवर्नमेंट की फुल एड मिलती है, कुछ ऐसी जिनको गवर्नमेंट की फुल एड बिल्कुल नहीं मिलती है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगी, राइट, रिलीजियस बिल्कुल माइनॉरिटी की इंस्टीट्यूशन होगी। अब कईयों को इजाजत है कि भैया वो अपनी फुल जो सीटें हैं वो बिल्कुल माइनॉरिटी के लिए रिजर्व रख सकते हैं, समझ रहे हो बात को। अब कई ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एडेड होते हैं, राइट, तो ये एक एक अलग से एक पूरा टॉपिक बनता है। तो इसमें राइट एक तरीके से आप इन इन दोनों आर्टिकल्स को अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि यहाँ इन शॉर्ट वीडियोज में इसको इलेबोरेट डिस्कस कर पाना उतना इजी नहीं है, अदरवाइज मैं इसमें अलग से लेक्चर लाऊंगा, समझ रहे हो, कि आर्टिकल 32 स्टेट्स दैट स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें इसमें बताई रखी है। एंड मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट, ये जो मेघिया प्रोजेक्ट है, समझ रहे हो, तो ये आप ऐसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो मेघिया प्रोजेक्ट है ये किससे रिलेटेड है, मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। तो बेसिकली सर आपका जो ये मेघिया है, एक इसी तरीके का इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर लाने की कोशिश की जा रही थी आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसी से रिलेटेड ये एक एक अलग से एक डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सर्विस सिस्टम वहां पे मेघालय में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, समझ रहे हो। तो ये पहला स्टेट बन गया है एक ऐसा आर्किटेक्चर लाने का। अभी इसका काम क्या है आर्किटेक्चर का, सर, ये बेसिकली आपका ई गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए एक ऐसा आर्किटेक्चर लाया गया है, समझ रहे हो। एंड द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ 8 रेफरेंस मॉडल्स की बिजनेस एप्लीकेशन डाटा टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर गवर्नेंस। तो इन सारी चीजों से डील करने के लिए ये एक ऐसा इन्होंने विजन बेसिकली यहाँ पे ये दिया है मेघालय का, एक मेघिया विजन, समझ रहे हो। मेघिया इज ए स्प्रेड अक्रॉस 6 पिलर्स। तो गवर्नेंस पे ये फोकस करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, प्राइमरी सेक्टर, बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे फैसिलिटेट किया जाए उसी से रिलेटेड ये सिर्फ एक एक सिस्टम क्रिएट किया गया है मेघिया नाम का इन्होंने सिस्टम, कि ऑनलाइन ई फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इन सारी चीजों से ये बेसिकली डील करता है। तो ये प्री में सिंपली ये ऐसे आपके क्वेश्चन अपियर हो सकता है, राइट। तो यहाँ इन्होंने प्रिंसिपल बता के रखे हुए हैं आर्किटेक्चर के, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के, जो बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर से रिलेटेड कौन सी आपकी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ये माइटी आपकी मिनिस्ट्री इसमें कहलाई जाएगी। इसी के साथ हमारा जो पॉलिटी का सेक्शन है सर वो कंप्लीट होता है। आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे, अगर यस तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल ही जाएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।